Very venerable viewers, we are to talk about self management core skills and importantly, we'll share self control. Self control is a very uh, delicate component of uh, a person uh, to manage. इसमें हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं सबसे पहली बात हमें कंट्रोल करनी है इमोशंस इमोशंस से यह है कि हम किस तरह से इजहार करते हैं अपने सख्त लहजे का अपने नरम लहजे का और फिर सोचो विचार करने के लिए पूरी तवज्जो के साथ जो एक Uh, हमने बिहेवियर इख्तियार करना है उसको मैनेज करना है तो इमोशंस को मैनेज करने का मतलब यह है कि हम अपने आप को बैलेंस करते हैं और हम बैलेंस करना सिखाते हैं इसी तरह आ, इसमें जो उसके एक्शंस हैं एक्शंस सिमराज्य है कि फिजिकली हाउ दैट पर्सन इज इंटरैक्टिंग विद अदर्स उसमें बॉडी लैंग्वेज है उसमें लैंग्वेज का मुनासिब इख्तियार करना है अल्फाज का मुनासिब इख्तियार करना है और उसके उतार चढ़ाव का उससे गहरा तल्क है इसमें जो उसके नेगेटिव रेस्पॉन्सेस हैं उसको हमें ख़त्म करना है या उसको स्लो डाउन करना है और अल्टीमेटली उसको हमने ख़त्म करना है और पॉजिटिव रेस्पॉन्सेस के साथ उसको रिप्लेस करना है और इसमें हम एक बात और जो इंश्योर करना चाहते हैं कि डिले ग्रेटिफिकेशन यानी उसकी जो सेटिस्फेक्शन है आ, उसको फौरी हम एक उसको नतीजे पर पहुंचने के लिए तैयार करवा दें कि वो अपने टास्क को असेस कर ले फौर अपने आप को सेटिस्फाई कर ले और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब यह है कि देर इज़ समथिंग

किसी चीज़ को देख कर परेशान हो जाना और फिर उसको कंट्रोल करना उसको मैनेज करना और या फिर यह है टू गाट वेरी एक्साइटेड बहुत खुश हो जाना और फिर यह है कि उससे अपना काम डिले करना उसी खुशी में बहुत सारा वक्त जो है ना वो कंट्रोल में न रहना तो हमने तमाम चीज़ों के दरमियान एक बैलेंस इख्तियार करना है या गलती की बुनियाद पर बाज दरम्या में इंटरवल आ जाता है या हमें वकफ़ा करना पड़ जाता है तो उससे हम टास्क को अधूरा नहीं छोड़ेंगे बल्कि उसको मुकम्मल करने के लिए उसमें जो वेज आउट है उसमें जो सोर्सेज हैं या एमरजेंसीज वी आर टू मीट विद तो उस सिचुएशन में अपने आप को मैनेज रखना कंट्रोल रखना है इसी तरह वो अपने जो भी रेस्पॉन्ज हो बातों का यह है कि इमोशंस की बुनियाद पर कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं तो उसको हम हो जाने के बाद भी तो कंट्रोल कर सकते हैं और उनको जो तरह के हमारे एक्शन हैं उसकी बुनियाद पर हम उसको सेटल कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे हालात हैं जिसमें हम बच्चे को तैयार करते हैं इमरजेंट सिचुएशंस हैं बाकी इंटरप्शनस हैं काम करने के दौरान बहुत सारी इंटरप्शनस हैं और बात हैप हैं जिसकी हमें तो नहीं होती बाद का जी है कि रिसोर्स की कमी की वजह से या उसकी इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी की वजह से ऐसा मुमकिन है इसमें यह भी हम ख्वाहिश रखते भी हैं और हम यह ख्वाहिश पैदा करना चाहते हैं कि फौरी फर्ज जो है ना वो अपनी फुलफिलमेंट ऑफ द टास्क की तरफ वो आए और अपने टास्क को मुकम्मल करें और उसकी बुनियाद ये बनेगी कि हमने उसके इमोशंस को कंट्रोल किया है हमने उसकी ओवरऑल एक्टिविटी को मॉनिटर किया है उसकी परफॉर्मेंस को हम मद्देनज़र रखे हुए हैं और उसमें आ, बात यह है कि हम बच्चों को देखते हैं कि वो काम के दौरान दे आर येलिंग ऑन देयर ओन बिहेवियर या फिर यह है कि वो बल्कि उससे भी बढ़कर वो चीज़ों को ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं तो इससे उनको बचाना है ब्रेकडाउन से सिस्टम ब्रेक डाउन हो सकता है उनको खुद नुकसान पहुंच सकता है इन चीज़ों से हमें उसको बचाना है और इसमें आ, ये चीज़ ख़ास तौर पर हमें देखनी है कि वट इज़ एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी यानी बिल्कुल ही हमने उसको स्लो डाउन नहीं कर देना उसको एक्टिव स्मार्ट और इंटरएक्टिव इंडिविजुअल के तौर पर आ, आगे लेकर आना है तो वो अपने टास्क को भी मुकम्मल करे अपनी परफॉर्मेंस को भी देखता रहे और क्लास uh, के अंदर है तो वो बाज़ात यह है कि ही इज़ ऑल्सो और शी इज ऑल्सो टू रेज हैंड फॉर आस्किंग क्वेश्चन एंड सवाल वही पूछता है जो प्रोसेस के साथ साथ चल रहा है जो कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट और उसमें uh, उससे अगर वक्त नहीं मिलता अपने जवाब के लिए ही इज़ ऑल्सो टू बी हम्बल एंड ऑल्सो टू वेट फॉर The response of the teacher, okay, how the teacher is going to respond. So, thank you very much for the uh, time and for sharing. Thank you very much.